कि जब वो रानी रूपमती बीमार हो जाती और अपना अंत समय नजदीक देखती है, राजा को महल से बुलाया कि हाथ जोड़ के अर्ज करो मेरा इतना कहन पुकाइए और मैं मर जा तो मेरे बड़का नठा छाती कलाइए। कि देखिए पतिदेव, अगर मैं चली जा तो तेरा ये दो बालक से इनका ध्यान रखिए, और एक बात और कि मेरे मरे पाछे अटके ब्याह मत करवाइए, कि तीन वचन मेरे आगे भरले कोन्या ब्याह करवाना, मौसी कारण धरू भगत ने पड़ा जंगल में जाना, मौसी कारण रामचंद्र ने लिया फकीरी बाणा, और दो बेटे तेरे दिए राम ने हंसके लाड लडाना, और करी स्वर का भजन मेहर सिंह जिक्र और मत खाइये, और मैं मर जा तो मेरे बड़का ने था छाती कलाइए। अब परमात्मा कैसे करने, वो रानी स्वर्ग सिधार जाती। रहते सहते दिन बीतते गए, थोड़े दिन के बाद वो राजा दूसरी रानी को ले आया। एक दिन की बात कि वो रूप और बसंत दोनों बच्चे मैदान में गेंद से खेलते हैं, और वो गेंद उछल के अंकल जी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद, और वो गेंद उछल के उस मौसी के महल में जा गिरी। और जब वो बड़ा लड़का रूप उस गेंद को लेने के लिए गया और मौसी ने उस रूप की शक्ल सूरत देखी तो उस पर मोहित हो जाती कि इतना सथरा रंग रूप छैल गाभरू, उससे इस करने के लिए कहती। और वो लड़का हाथ जोड़ के खड़ा, केरी मां, अरे मां और मौसी में तो कोई फर्क ना बताया, कैसे क्या कहता है वो लड़का, क्या समझाता है। रे होनी हो बलवान जगत में, ये रखे तके करवा दे, और इस ते अच्छा करवा दे, अरे इस ते अच्छा रूप कंवर ते लाख का जहर खवा दे। भाई स्वामी धनखड़ जी 101 रुपए से मान सम्मान करते, तहे दिल से धन्यवाद है धन्यवाद। पहले नंबर पे क्या कहता वो लड़का, भजन करया कर मालिक कसे जिंदगी दस दिन की, ना चाहना किसे काम करण के, ना चाहना जो सारे नीच कवा दे, ये
के करवा दे Thank you.
लगन से मैं अंधी हो गए कर ही डूबा तेरी तेरी बीमारी काटन नयो बाप मेरा सकेरी मीठी मीठी बोल सर को बता के लेरी मैं हर शंगना माने तेरी